हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि जी। तो आज हम लोग बात करेंगे Zee5 पे रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है रंगबाज फिर से। तो क्या ये वेब सीरीज आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं चाहिए, मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। और क्या ये वेब सीरीज का रंगबाज वेब सीरीज से कुछ लेना देना है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको जरूर देखना पड़ेगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो करें लाइक, चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट को करें सब्सक्राइब, और जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। तो शुरू करते हमारा आज का ये वीडियो। तो ये वेब सीरीज की कहानी बेस्ड है राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल के ऊपर। उनका एक फेक एनकाउंटर हुआ था और क्यों वो एक आईपीएस ऑफिसर बनते बनते एक बड़े शराब व्यापारी बन गए थे, ये सब कुछ हमें इस वेब सीरीज में बताया गया। इस वेब सीरीज में हमें तकरीबन 9 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड के लिए लगभग 40 से 35 मिनट के बीच में ये और कहानी शुरू होती है जिमी शेरिल से, जिसने यहाँ पे रोल प्ले किया अमरपाल सिंह का यानी आनंद पाल का। अमरपाल सिंह अपने कॉलेज के दिनों में ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार थे और वो चाहते थे कि आईपीएस ऑफिसर बने, लेकिन उनका सपना तब टूटा जब वो किसी वजह से जेल में चले जाते। जेल में जाने के बाद वो समझ जाते कि अब वो आईपीएस ऑफिसर बन नहीं सकते, तो उसका एक ही मकसद था किसी भी तरीके से उस इंसान से बदला लेना जिसकी वजह से वो जेल में गए थे। तो क्या वो अपने इस बदले में कामयाब होते हैं और उसके बीच में उनकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये देखनी पड़ेगी। तो इस वेब सीरीज के बारे में बात करते, इस वेब सीरीज ने हमें जट और राजपूतों के बीच की आपस की जो मतभेद है, जो आपस की जो लड़ाई है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से बताई गई। प्लस यहाँ पे राजपूतों में भी किस तरीके से राजपूतों में कैसे ऊंच और नीच जाति वालों की जो सोच है आपस में एक दूसरे को लेकर, वो भी बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। कहानी के मेन विलेन का रोल यहाँ पे प्ले किया शरद केलकर, यानी उनका इस वेब सीरीज में नाम है राजा पोगाट। राजा पोगाट एक बड़े शराब व्यापारी है और वो राजस्थान में बहुत ही पॉपुलर है। उनसे काफी पुलिस वाले और मिनिस्टर डरते और किसी भी तरीके से वो अमरपाल सिंह को अपने रास्ते से हटाना चाहते। तो क्या वो अमरपाल सिंह को अपने रास्ते से हटा पाते, ये बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वेब सीरीज में मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये वेब सीरीज मुझे कैसे लगी। यार, इस वेब सीरीज की जो लिखावट यानी कि जो उसकी राइटिंग है बहुत अच्छी लगी। इसकी जो लेंथ है वो लेंथ ज्यादा नहीं होने की वजह से ये वेब सीरीज देखने में जो मजा आता है वो अलग ही है। ये वेब सीरीज रंगबाज से मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि रंगबाज में एक अलग इंसिडेंट पे थी, इसकी कहानी एक अलग इंसिडेंट पे है और दोनों ही अपनी जगह पे जबरदस्त है। यहाँ पर मैं तारीफ करूंगा इनके एक्टर्स की, यानी जिमी शेरगिल की, सुशांत सिंह की, शरद केलकर की, सभी ने अपने किरदार को बहुत ही बेहतर तरीके से निभाया है। स्पेशली यहाँ पे जिमी शेरगिल की बात करूंगा, पूरी वेब सीरीज जिमी शेरगिल के कंधे के ऊपर है और जिमी शेरगिल ने जो किरदार निभाया है आप इमोशनली फील कर सकते हो, आप इससे इमोशनली कनेक्ट भी हो सकते हो। आपको लिटरली क्लाइमेक्स में बुरा लगेगा अमरपाल सिंह के लिए, जिस तरीके से उसका एनकाउंटर होता है वो सिचुएशन देखकर आप सैड फील करोगे। जीशान अय्यूब की बात करो तो जीशान अय्यूब का स्क्रीन टाइमिंग इतनी तो नहीं है, लेकिन लास्ट के एपिसोड में आपको जाके पता चलता है कि उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। वो यहाँ पे रोल प्ले कर एक आईपीएस ऑफिसर का, लेकिन इसके साथ एक और ट्विस्ट है जो कि आपको एंड में पता चलेगा। तो यार मैं इतना ही बोलता कि इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट की गई एक वेब सीरीज है जहां पर आपको हर चीज देखने को मिली। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगी, इस वेब सीरीज की जो कहानी वो आपको पास्ट और प्रेजेंट दोनों में चलती है, तो आप ध्यान से देखना कि कब पास्ट शुरू हो रहा है और कब प्रेजेंट शुरू हो रहा है, ये आप लोग बहुत ही गौर से नोटिस करोगे तो समझ पाओगे। कुल मिला के ये वेब सीरीज कुछ अलग हटके बताती है गैंगस्टर्स के ऊपर। और आनंद पाल यानी कि जो रियल गैंगस्टर थे उनका मैं नाम ले रहा हूँ, आनंद पाल वाकई में ऐसे इंसान थे या नहीं थे वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस वेब सीरीज के थ्रू हमें राजस्थान की राजनीति और गैंगस्टर इन दोनों किसे मिलके काम करते थे और जैसे ही और कैसे मतलब के टर्म पे वो एक दूसरे को इस्तेमाल करते थे, जब उनका मतलब पूरा हो गया था कैसे वो एक दूसरे को दगा देते थे या धोखा देते थे, ये सब कुछ हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिला। उसके अलावा इस वेब सीरीज की बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे बहुत अच्छे लगे, सिर्फ इसमें एक वीक कड़ी लगी वो है शरद केलकर का कैरेक्टर। वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो इम्पैक्ट होना चाहिए था वो इम्पैक्ट फील नहीं लग रहा था मुझे। तो खैर, वीडियो में इतना, आपको वीडियो पसंद है वीडियो कर लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में।